को बता तो दे अच्छा बना है। मैं भैया मेरे को लग ही नहीं रहा था कि बढ़िया बनेगा। फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे सारे बढ़िया? तो दोस्तों आज संडे, तो संडे के दिन वैसे मैं भागता हूँ कि बाहर जाने के, बट ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभी हो पाता है जिसमें मैं बाहर व्लॉग शूट करने जाता हूँ। अभी बज रहे हैं 1:25। ओ भाई अभी क्या हुआ सीन, मैं था अपने छत पे, जोर जोर से घंटी बजा रहे थे एंड मैं नहा रहा था छत पे, ठीक है, क्योंकि भाई पानी नहीं आ रहा था हमारे इधर 2-3 दिन से, क्योंकि जो मेन पाइपलाइन होती है वो टूट गई थी, तो इस वजह से पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। तो आज शायद ठीक हो गई, तो जस्ट अभी अभी पानी आया है तो मैंने सोचा टंकी भर लेता हूँ। तो 2 दिन से क्या था, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे एंड भाई ये पूरा गंदा, तो अभी जस्ट इसको मैंने साफ करा है, ठीक है, सब मैंने जो भी ड्रम वगैरह थे सब कुछ भर लिया है। मुझे बड़ी कन्फ्यूजन कि मैं अंडा खाऊं, ठीक है, या दूध फाड़ के चाय बनाऊं, मतलब इसकी थैली फाड़ के चाय बनाऊं, या पुलाव खाऊं, या बिस्किट खाऊं। तो ऐसा करते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करके एक सोल्यूशन निकालते हैं। बर्तन धुल चुका है, इसमें डालेंगे पानी और चाय बना लेंगे। नो ये सारी बातें इलॉजिकल थी, बट इसी को व्लॉग्स कहते हैं, इसी को मजे कहते हैं, मजे। चाय पीना भी ना कला होती है, सुबह दोपहर शाम, कभी कभी तो सुबह फिर सुबह फिर सुबह फिर दोपहर को जाती है, फिर शाम को भी जाती है, फिर रात को भी जाती है, तो ये कला है, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ चाय लवर, समझ आ गई? चलो मेरे साथ एक बिस्कुट हो जा कोई सा भी, ठीक है, नॉट बिस्किट इज बिस्कुट, ओके। सो पहले प्रोनाउंसिएशन को ठीक करो अपने। इट्स नॉट बिस्किट इज बिस्कुट, ठीक है ना, बचपन मत भूलो अपना। जस्ट मैंने अभी पुलाव खाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना के गई है भाभी, भाभी कहीं गई भी है, भैया भी गए गए हुए एंड बृष्टि भी कहीं गई भी, जस्ट अभी अभी एक प्लेट खाई है एंड दोबारा खाने का मेरा मन कर रहा है, तो लेट्स ईट इट। उनको क्या तकलीफ है भाई, हमारे बंगाली में एक ना बहुत बढ़िया सब्जी होती है, इसको कहते हैं मिक्स वेज एंड बंगाली में कहते हैं चौचौड़ी, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा बट दिस इज़ अ फैक्ट एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, रियलिटी बता रहा हूँ। इसमें आलू डलता है, बैगन डलते हैं एंड बहुत सारी 2-3 चीज़ें डलती है, बीन्स भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, ठीक है, पूरी मिक्स वेज की तरह होते हैं एंड ये सब्जी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है खाने में। जिस टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी थी वो टॉपिक ही भूल गया एंड मेरे दिमाग से निकल गया, एक्चुअली उसकी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि वो टॉपिक था क्या, बताओ, पानी भरने के चक्कर में हो गया ये सब चीज़ें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं अपने ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो माउंट था ना वो एक्स्ट्रा पड़ा था, वो पता है किसका था, बताता हूँ, ये जो मेरे पास गोप्रो पड़ा ना इसका माउंट था ये, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा माउंट खरीद के लेके आया था, मतलब गोप्रो में नहीं रखता ये माउंट, ये फ़ोन माउंट था बट ये मैं एक्स्ट्रा लेके आया था भैया के साथ जाके, तो आज ये काम आ गया। बाकी नीचे चलते हैं, बैठते हैं, वो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कुछ लिखते हैं, फिर बात करेंगे, नहीं याद आएगा कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। आज मैंने ब्लॉग 4:30 बजे का शेड्यूल करा था, ऑटोमेटिक ब्लॉग आ गया था एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता लगी, जस्ट अभी पता लगी थी कि हम जब स्टोरी डालते हैं तो एक लिंक का स्टिकर आ चुका है, मतलब उसमें हम लिंक प्रोवाइड करवा सकते हैं कि स्टोरी में ही आपको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे लिखें, यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट आप ब्लॉग के अंदर पहुँच जाएंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने भी यूज़ करके देखा, तो शायद अब लोगों को बायो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट वो क्या करेंगे, वही लिंक क्लिक करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे, जो स्वाइप अप के ऑप्शन में नहीं होता था अब वो टच करके होने लग गया। आप लोगों से सुबह ही बोल रहा था, निखिल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, लेकिन फाइनली यो यो बोहेमिया इन द हाउस है, सही में बोहेमिया है तू? ना ना, मेरे को आज तक ना बोहेमिया के गाने समझ नहीं आए, तेरे को आए? शायद लेजेंड को आते होंगे, मैं बच्चा हूँ इसका मतलब, अल्ट्रा के नीचे जो आता है, मैं लेजेंड से भी नीचे हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मेरे को निखिल आया यूट्यूब पे, इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई यूट्यूब के बारे में, क्योंकि इसका खुद का चैनल नहीं है। भाई सुबह सुबह क्या डाइट लेते हो आप? अभी सुब सुबह हुई है, अंडे ब्रेड खाने के लिए, तो ये ऑमलेट बना रहे भैया, खन्ना मार्केट में इस टाइम हम, तो भैया ऑमलेट बना रहे हैं, और ऑमलेट के कितने पैसे दिए तूने? 35 रुपये कितने? 35
बढ़िया भाई बढ़िया। बंदा चाय नहीं पी रहा, मैंने कहा चाय पी ले, चाय सही होगा तेरी सेहत के लिए। कह रहा है तो रात को क्या खाएगा? ना आलू पराठे ना भेलो। रिव्यू जरूर बताइयो, खा ले फिर बताइयो। नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि यार दो कप चाय होगी है, दो कप चाय होगी मेरी। नहीं यार मेरे को बिल्कुल मन नहीं, वरना मैं खाता नहीं क्या? अरे मेरा पेट सही खराब हो जाएगा, समझ नहीं रहा ये। मैं दो तीन कप चाय पी चुका हूँ। रोल कैसा था? रोल ठीक था, रोल जैसा ही था। कैसा बना? बढ़िया, नो झूठ। अच्छा है ना? तो ये भैया बैठे होंगे, गोल्डी ढाबा ये वाला है, ठीक है आके खा लेना, जरूर खा। अच्छा लग नहीं रहा था? मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा बना। अरे भाई जरूर खाना भैया के पास आके, ठीक है जब अच्छा दे ही रहे तो। भाई खाओ ना, ये देखो खा, अंडा मुर्गी। भैया को बता तो दे अच्छा बना है। मैं भैया मेरे को लग नहीं रहा था कि बढ़िया बनेगा। भैया को सीधा सीधा बोल दे, भैया मेरे को लग नहीं रहा था सही बनेगा, पर लेकिन बढ़िया बन गया। भैया बोलेंगे पिछवाड़ा देखा तो। तो पिछले आधे घंटे से हमारे घर में सारे रिमोट ढूंढ रहे हैं। एलईडी का तो रिमोट है, पर लेकिन वो जो डिश टीवी लगा ना उसका रिमोट गायब हो गया। अभी नया लगाया है एंड 450 रुपये खर्च करे हैं इस पर। नहीं इस पर तो ऑलरेडी पता नहीं 1000 रुपये खर्च हो चुके हैं, पर वो जो रिमोट पे हमने 450 रुपये खर्च करे हैं। तो अभी भाई रिमोट ढूंढ ले आके, भाई तू खाने में लगा पड़ा है। यार कहाँ चला गया है? पता क्यों ढूंढ रहे हैं रिमोट? क्योंकि भाई आने वाला बिग बॉस, आज बताएंगे बॉटम 6 और टॉप 5 कौन है। चल भाई शुरू हो जा, हमने सबको ऊपर भेज दिया, आप लोग ऊपर जाओ, हम रिमोट ढूंढेंगे उसको रख देंगे। पर भाई हमारा रिमोट तो मिला नहीं, बट लेकिन हमने एप्लीकेशन से रिमोट डाउनलोड कर लिया एंड उसी से चैनल्स को आगे बढ़ा दिया एंड इससे हमारा काम इजी।